अमरपुर पंचायत में उप मुखिया का हुआ चुनाव। सोनी खातून उप मुखिया के लिए रही विजयी, उन्हें दिलाया गया पद एवं गोपनीयता का शपथ। अमरपुर पंचायत इसलिए अलग रहा क्योंकि यहां मुखिया का चुनाव नहीं हो पाया। नामांकन के कुछ दिन बाद ही एक मुखिया प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने से यहां मुखिया का चुनाव रद्द करना पड़ा। आज यहां उप मुखिया के पद पर सोनी खातून ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। जब तक यहां मुखिया का चुनाव नहीं होता तब तक उप मुखिया उस पद को संभालेंगे और पंचायत के विकास कार्य को आगे ले जाएंगे। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी मौजूद थे। आइए आपको सुनाते हैं निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार, जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी एवं निर्वाचित उप मुखिया ने क्या कहा। आज दिनांक 24 जून 2022 को अमरपुर पंचायत में नव निर्वाचित पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाया गया, साथ में उप मुखिया का निर्वाचन किया गया। इस निर्वाचन प्रक्रिया में 15 वार्ड मेंबर ने मतदान में भाग लिया, जिसमें से सर्वाधिक 8 मत सोनी खातून लेके आई हैं। अतः सोनी खातून को अमरपुर पंचायत का उप मुखिया निर्वाचित घोषित किया गया। सर, सभी का मन पे एक सवाल अमरपुर पंचायत वासियों का कि मुखिया ना होने के कारण जो मुखिया बने तो क्या वो मुखिया बनके कार्य करेंगे पंचायत में, जब तक मुखिया का चुनाव ना हो जाए तब तक। हाँ, सबको मालूम है कि नॉमिनेशन के ठीक बाद एक मुखिया उम्मीदवार की मृत्यु हो गया था अचानक, जिसके कारण अमरपुर पंचायत में मुखिया का निर्वाचन नहीं हो सका था, लेकिन उप मुखिया का निर्वाचन हो गया है। तो उप मुखिया का निर्वाचन इसीलिए किया जाता है कि अगर मुखिया नहीं है तो उनके स्थान में उप मुखिया उनका कार्य दायित्व संभाल सकते हैं। यहाँ का माहौल कैसा रहा? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा रहा, सभी लोगों ने काफ़ी शांतिपूर्वक वातावरण में मतदान में भाग लिया, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं यहाँ सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। देखिए, यहाँ हमारे अमरपुर पंचायत बहुत शांतिपूर्वक है, इसका मैसेज इन्हें हमेशा मिला है और आप मेरा बूथ लिस्ट भी खोलेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ का संदेश क्या है। तो यहाँ के लोग बहुत सूझबूझ के साथ वोटिंग करते हैं और बहुत सूझबूझ के साथ अपना कैंडिडेट को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो। किसी कारण से जो हमारे मुखिया कैंडिडेट हमारे चचा जान का इंतकाल हो गया, जिसके कारण मुखिया का वोट कैंसिल हुआ, बहुत लोग मायूस हैं। अमरपुर के पंचायत के लोग, हम लोग गार्जियन थे लेकिन वो नहीं रहे, तो लोग मायूस रहा कि क्या जनता का विकास कैसे होगा अमरपुर पंचायत में। चुनाव आयोग से बात हुई, डीसी साहब से भी बात किए, उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के हिसाब से 6 महीने के अंदर हम लोग चुनाव कराने का काम करेंगे, डेट अभी हम नहीं बता पा रहे हैं। ये उप मुखिया का प्रक्रिया ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग उस प्रक्रिया में लगेंगे। लेकिन आज हम लोग सभी सदस्यों ने, 15 सदस्यों ने भाग लिया, एक सदस्य कोई काम होने के कारण वो नहीं आ पाए, उसके घर से फ़ोन आया कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाने के कारण वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन 15 सदस्य ने अपनी बहुत सोच बूझ कर उन्होंने उप मुखिया चुना, जिसका 2 कैंडिडेट बने, एक आसिफ जी, एक सोनी जी, जो सोनी जी का वोट 8 मिला और आसिफ जी का 7 मिला, लेकिन दोनों ने स्वागत एक दूसरे को करते हुए चुनाव संपन्न करवाया बहुत अच्छे सुकून के साथ। यहाँ का जनता का भी सहयोग रहा, लोगों का भी सहयोग रहा। वीडियो साहब एक एक चीज, एक एक जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो किए और शांतिपूर्वक चुनाव कराने का काम किए। तो जो उन्होंने चुनाव कराने का काम किया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि शांतिपूर्वक, और हम जनताओं को और वार्ड सदस्यों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सोनी खातून, आप उप मुखिया के रूप में चुने गए अमरपुर पंचायत में, जो कि अभी यहाँ पे मुखिया जी नहीं है, चुनाव नहीं हो पाया,
यानी कि मुखिया का कार्यभार जो आप संभालेंगे, समस्या है पंचायत में, उसको जो है कैसे आप निराकरण करेंगे? सब सदस्यों के साथ मिलकर करेंगे। आपके बगल में जो बैठे हुए वो क्षेत्र संख्या आप ही के क्षेत्र संख्या 12 के जिला परिषद के, कितना सीख मिलेगा आपको उनसे? मौका मिलेगा।